बारे में बताइए। सर मैं ग्राम मुंडेरिया की निवासी हूँ। पिताजी का नाम श्री शेषराव पगार है, माता जी का नाम माया पगार है। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई ग्राम मुंडेरिया से की है। उसके तत्पश्चात मैंने स्नातक IIT KVB से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरी हॉबी डायरी लेखन और शतरंज। आपका डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1991 है। तो 1991 में भारत के अंतर्गत कौन सा बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन या देश के अंतर्गत आर्थिक रूप से बदलाव की कौन सी विचारधारा है? सर उस टाइम पे हमने LPG को अपनाया था, जिसमें हमने वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या अपनाया अपन ने? वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया। अच्छा, तो इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ? सर हमारे हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला। निजीकरण के साथ हमने सरकारी जितनी भी योजनाएं मतलब सरकारी उपकरणों को निजी क्षेत्रों में दिया और एक वैश्विक स्पर्धा का जन्म। अच्छा, आपने आपके हॉबी में डायरी लेखन लिखा है, तो डायरी लेखन से क्या तात्पर्य है? सर ये एक अभी फिलहाल में ये वर्तमान आधुनिक समय में ये हिंदी साहित्य की एक विधा बन चुकी है। इसमें आपके प्रतिदिन के कार्य क्रियाकलाप का वर्णन किया जाता है। और कौन से हिंदी साहित्य की विधाएं होती हैं? सर कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा और यात्रा वर्णन। अलंकृता जी, आपको ये नहीं लगता कि आप इंजीनियर थी और अभी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रही है, तो आपने एक इंजीनियर के पद को किल किया है या इंजीनियर के पद को समाप्त किया है या किसी दूसरे इंजीनियर के हक को मारा? सर मैं जब ग्रेजुएशन का टाइम था, उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था अपने लाइफ सिक्योर करने के लिए, जो मुझे लगा इंजीनियरिंग करके मैं कर पाऊंगी। पर जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उस दौरान मेरा आकर्षण सिविल सेवा सर्विसेज में गया, तो एक्चुअल में मैं दी भी उसी टाइम पे सिविल सर्विस करनी थी, तो सर उसमें आई थी, तो उन्हें देखते हुए भी मुझे इस तरफ आकर्षण। कल को तुम्हारी दीदी कुछ और बन गई, तो आप तो सिविल सेवा में आकर इसको भी बदल देंगे, इसका मतलब तो ये नहीं सर। इसके लिए मैं बचपन से था कि कुछ करना है, कुछ अलग समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करना है, पर ये पता नहीं था कि पब्लिक सर्वेंट तो इंजीनियरिंग से भी बनते हैं और काफ़ी अच्छे पदों पर जाते हैं, ए ग्रेड सर्विस में जाते हैं। हाँ सर ये तो है। IAS IES नाम जाना था आपको? हाँ सर, सर मैंने देख मैंने कोशिश की थी उसके लिए, पर मुझे लगा कि मैं उसके लिए उतनी उत्तम नहीं हूँ। यहाँ के लिए क्यों अपने आप को उत्तम समझती है? ऐसे कौन से गुण हैं जो ये स्पष्ट कर पाए, जैसे आपने बोला कि वहाँ के लिए नहीं हो, तो इसका मतलब आप यहाँ के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए आप अपने आप को योग्य या उत्तम समझते हैं, तो ऐसे कौन से गुण हैं जिससे आप ये साबित कर पाए आप में कि आप राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए योग्य? सर एक संवेदनशीलता है, एक नेतृत्व क्षमता है और साथ ही ईमानदारी के गुण। नेतृत्व के गुण क्या है? सर किसी भी कार्य को किसी भी कार्य की पहल करना नेतृत्व के गुण। सिर्फ पहल करना नेतृत्व? नहीं सर, पहल करना बहुत जरूरी है, पहल करने के बाद ही आप उस कार्य को करने के लिए आगे कार्य कर पाएंगे। नेतृत्व की परिभाषा क्या होती है? नेतृत्व की परिभाषा मध्य प्रदेश की 3 आदिम जनजातियाँ कौन सी? भारिया, सहरिया और बेला। अच्छा, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर ये उत्तर पूर्वी इलाकों में, जिसमें शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर ये क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या जानती हो सहरिया के बारे में? सर ये एक घुमंतू जनजातियाँ हैं जो राजस्थान, जिनका निवास स्थान
नहीं, अच्छा कौन से परिवार की, आप तो ये बता दीजिए ऐसे कौन से परिवार की या कौन से प्रजाति की जनजाति में? ऑस्ट्रेलियाई तो कोई जनजाति ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी, मध्य प्रदेश में कैसे आएगी? पक्का द्रविडाइड है, मुझे तो नहीं लगता है ये द्रविड जनजाति है, इसलिए इनके कैरेक्टर में ही खाते हैं। अच्छा ये बताओ अलंकृत कि आपने ट्वेल्थ के अंतर्गत रसायन विज्ञान पढ़ा है, तो अम्ल क्षार क्या होते हैं? सर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट आयन बनाते हैं। सर सर सब हो गया, सॉरी सर। अच्छा, सर भी याद नहीं आया। आपने भौतिक भी पढ़ा और आपका तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी रहा, तो बताइए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर होता है? अच्छा पेट्रोल इंजन में टर्म यूज की जाती है जो दोष प्रकरण एडियाबेटिक प्रोसेस, तो क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, वो दोष प्रकरण क्या होता है? नैतिक दुविधा क्या है? जब आपके पास दो नैतिक मूल्यों में से किसी एक को चुनने की जो दुविधा उत्पन्न होती है नैतिक दुविधा। अच्छा नैतिक तर्क और नैतिक मूल्य में क्या अंतर है? नैतिक तर्क और नैतिक मूल्य, आपने फोर्थ पेपर पढ़ा होगा? यस। आपको पता होना चाहिए। अच्छा वर्तमान में भारत के अंतर्गत पांच प्रमुख मुद्दे कौन से चल रहे हैं, या मैं आपकी मतलब सिविल सर्विसेज से जोड़ता हूँ कि आज के भारत के अंतर्गत विगत छह महीने से और अभी को अगर हम आगे जोड़ दें तो पांच प्रमुख राष्ट्र की खबरें कौन सी रही? सर अभी तक देखी जाए तो अभी गुजरात और नहीं नहीं ये तो अभी रिसेंट की बात है, ये मुद्दा नहीं है, ये तो प्रोसेस है जो विगत पाँच हमारे विगत साल से लेकर अभी तक, मान लीजिए अभी हम नवंबर में हैं तो लास्ट एक साल में पिछले नवंबर से लेकर अभी तक भारत की अंतर्गत पांच बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही हो पेपर की, न्यूज़पेपर की, मीडिया हाउसेस की, और जिनसे हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं में प्रभावित हुए हों। खबर नहीं सर, एक्चुअल में नोटबंदी जो थी विमुद्रीकरण के लिए जो 8 नवंबर को घोषित की गई थी और 9 नवंबर से लागू की गई थी। ठीक है। और दूसरा था सिर्फ जुलाई में जीएसटी लागू किया गया। और सर अभी रोहिंग्या शरणार्थी का मुद्दा भी था सर जो बहुत तीन खबरें बताइए सर। आज ही के पेपर में था भोपाल गेम में, ये तो आज के हिसाब में पूछा मतलब पूरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय है, ये क्षेत्रीय क्षेत्रीय टाइप का है। ठीक है, हम संवेदनशील प्रशासन होता है और राष्ट्र के लिए भी कि जो आप वो राष्ट्र के लिए भी प्रश्न का सवाल है, लेकिन जैसे अभी आपने राष्ट्रीय व्यापक समस्या या खबरों का जिक्र किया उसी प्रकार से सर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी। कब किया गया? ठीक है। और भारत और चीन के बीच में कुछ समस्या चल रही है? ठीक है, तो ये पांच खबरों के बारे में आपकी क्या जानकारी है? इन सब पांच जो आपने भारत की बताया कि ये राष्ट्र स्तर की बड़ी समस्या थी या खबरें थी, तो इन पांचों खबरों के बारे में आपके पास क्या तथ्य है, क्या जानकारी है? एक एक खबर को लीजिए और एक एक के बारे में कुछ जानकारी बताइए, कुछ एक दो बड़ी विचार या जानकारी बस। सर विमुद्रीकरण के दौर के साथ हमने काला धन नोट
चालसाजी और इन सब पे रोक लगाने के लिए की गई थी। जीएसटी के तहत हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया था, जिसमें एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को जन्म दिया। सर अब हमने जितने भी अलग अलग टैक्सेस थे उन सबको अब एक ही टैक्स में इंक्लूड कर दिया। कौन से अलग अलग? सर कस्टम ड्यूटी हुई थी। किस प्रकार कितने इस टैक्स को मिलाकर ये बनाएगा और कौन से टैक्स को विशेष रूप से इसमें मिलाएगा? सर वेट सर्विस टैक्स कस्टम ड्यूटी। चलिए ठीक है, ये आपको छिंदवाड़ा के बारे में कोई पांच नकारात्मक बातें बताएं। सर वहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कम है, जन जागरूकता में थोड़ी कमी है। सर पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और वहाँ पे ज़्यादातर कोल माइंस वगैरह है तो प्रदूषण की समस्या बनी रही है। आप एज ए प्रशासनिक अधिकारी अपने जिले की इस नकारात्मकता को कैसे सकारात्मकता में बदलेंगी? सर शिक्षा के स्तर पर देखा जाए तो जितनी भी योजनाएं अभी तक चल रही है हम उसके लिए उसको और भी अच्छे तरीके से सशक्त रूप में ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अभी भी पहुँच रही है, सरकार के हर लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, योजना बनाई इसलिए जा रही है कि वो समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। आप अलग क्या करेंगे? मुझे लगता है कि योजनाओं में कहीं ना कहीं गोल्स है जो उन वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा जिनको उसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, और सर वहाँ की जो वो सतपुड़ा श्रेणी में आता है और वो बहुत ही सुंदर है तो हम उसको एज अ पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जिससे रोजगार की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि छिंदवाड़ा में शिक्षा का स्तर कम और छिंदवाड़ा में दूसरी समस्याएं विकास की कम, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो छिंदवाड़ा काफ़ी विकसित भी है और शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप भी वहाँ से आए हैं तो ऑब्वियसली शिक्षा का स्तर अच्छा ही रहा होगा। सर अच्छा है, लेकिन वहाँ अभी भी मैं जिस ग्राम से हूँ वहाँ पे अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते या स्कूल से ड्रॉपआउट कर देते हैं। अच्छा, आप इंटरव्यू के बाद घर जाएंगे तो आप अपने गांव के बच्चों के लिए कर रहे हैं? सर इंटरव्यू के बाद यदि आप घर जाते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा ये करने का तो मैं उनसे जिस तरीके से मैंने इतने समय बाद सिविल सेवा परीक्षा के बारे में समझा और उसको जाना कि उससे हम कैसे अपने आप को और अपने समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, मैं उन सबको उन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक कराने की कोशिश करूँगी कि ताकि वो अभी लोअर लेवल से ही इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक हो सकें। अच्छा है कि आप मान भी चलिए छिंदवाड़ा की कामयाबी देखते हैं। ठीक है, आपके लिए 24 घंटे काम करना है, आपके लिए लगाई जाए 24 काम दिन, हाँ आपके लिए 24 घंटे काम करना है तो आप कर पाएंगे? लेकिन 24 घंटे तो कोई भी काम नहीं कर सकती, मशीन भी काम नहीं कर सकती। सर उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सर ये तो सर काम पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कार्य दिया गया। आजकल बहुत सारी ड्यूटी लगाई है 24 घंटे के लिए, आपको रहना है, आप 24 घंटे ड्यूटी जागती रहेंगे? नो सर, 24 घंटे जाग पाना मुश्किल है। लेकिन आप निकाल ही करेंगे अभी? सर इसके लिए दूसरे ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सर आप अगर आप अकेले हैं तो आप आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों से सहयोग ले सकते हैं, उनकी सहायता लेकर आप उस कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, शतरंज खेलना आपकी हॉबी है, तो ये शतरंज क्या होता है? सर ये एक तो रंग है या शतरंज? सर इसका प्राचीन नाम शतरंज। प्राचीन नाम शतरंज, कहाँ पर उत्पत्ति हुई मानी जाती है शतरंज? सर एमपी में मंदसौर से।
और क्या जानती हो शेफेंस के बारे में? सर बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये सर सिर्फ मैं अपने शौक के तौर पे खेलती हूँ। शौक के तौर पे खेलती हूँ, तो अच्छा प्रशासन में इसको कैसे प्रयोग में लाऊँ? चलिए ठीक है। थैंक यू सर।